गाइस क्या हाल चाल है। और अभी हो गया भाई मूड की एकदम क्या बोलूँ, एकदम खराब सड़ा दिया मूड एक लड़की ने। बहन बताइए क्या हुआ, बहन को भी बोल दिया कुछ। गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हाल चाल है, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। सो गाइस रात भी हो गई है, बारिश एकदम टकाटक वाली, और इसलिए इतनी अच्छी नींद आई है ना कि हम लोग सोते रह गए। 9 बजे सो के उठे हैं और अब ये इतनी फुर्ती में बेचारी लंच बनाने में लगी है। बुल्लू आज तो तू लेट हो गई, गंदा वाला है ना, गंदा वाला। इसका 9:30 बजे का ऑफिस है, मेरा 10:30 बजे का, लेकिन मैं रेडी हो गया हूँ क्योंकि मुझे कुछ काम नहीं करना पड़ता है। और बहुत प्रेशर है यार इसकी जिंदगी में, कम करवाओ ये प्रेशर कैसे भी। तो परांठे अच्छे बनाए, बहुत स्पीड में लगी है। सो अभी चलते हैं सीधा ऑफिस, और आज सैटरडे है तो आज मेरा विजिट्स वगैरह का काम ज़्यादा रहेगा बाहर का, तो दिखाते हैं क्या है आज का दिन। सो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। लो भाई गुड़गांव की हालत है, थोड़ी बारिश में सीन गड़बड़ा गया पूरा, पानी पानी। दिस इज द लाइफ ऑफ गुड़गांव पीपल, थोड़ी सी बारिश में ये हाल है। दिख रहे हैं सर आपको वो चचा, दिख रहे हैं अभी देखो मोबाइल नंबर देखता हूँ उनका। सीमा से बात कर रहे हैं या ललिता से या रीमा से? दे इसमें धक्का दे दे, बेचारे की जिंदगी में बहुत ज़्यादा दुख है, मेरे से देखा नहीं जाता अब इसको, ऐसे सीधे यहाँ से दे दे बिना पैरासूट के, सीधे 7th फ्लोर से नीचे आ जा वीरे। गाइस क्या हाल चाल है, और अभी हो गया भाई मूड की एकदम क्या बोलूँ, एकदम खराब सड़ा दिया मूड एक लड़की ने। बहन बताइए क्या हुआ, बहन को भी बोल दिया कुछ। तुम्हें शर्म नहीं आती भाई? बात ऐसी थी, हम लोग लिफ्ट का वेट कर रहे थे और उधर एक लड़की बैठी थी, वो अपने फ़ोन पर बात कर रही थी, किसी से भी कर रही हो पता नहीं, उससे उसकी लड़ाई हुई होगी क्या हुआ, वो उसका मूड ख़राब हो गया। और 2 बंदे वहाँ पर बैठ के बात कर रहे थे, तो उनका गुस्सा उसने हम पे निकाल दिया कि भाई तुम लोग गाली दे के बात कर रहे हो, लड़की बैठी है यहाँ पे। मैंने कहा मैम वो हमारे ग्रुप के नहीं थे, पता नहीं कौन थे। उसने हमें सुनाना शुरू कर दिया। अब इसको पता है क्या बोलती है कि तुम लड़की हो के ऐसे गाली गलौज के ग्रुप में रहती हो, जबकि वो बंदे हमारे ग्रुप में ही नहीं थे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। फिर तूने क्या बोला उसको? मैं तो भाई तेरे को थोड़ी दे रहे थे और ये चीज़ बोलने, तो उसको मैं मुंह में बोलते हमें क्यों सुना दिया, हमारे तो गले पड़ गई यार। जैसे 15 मिनट खा लिए यार, वैसे भी आधे घंटे का लंच होता, 15 मिनट उसको समझाने में निकल गए हमारे, लफड़ा हो गया था अभी सर। आपने मिस कर दिया, एक लड़की हमारे सर पे चढ़ गई। हाँ सच में, पता नहीं क्या कह रही हो। और इसको तो पता है क्या बोल दिया, मैंने इसको बोला चीते कुछ कर, तो कह रही है चीते ही थे ना, ये जंगल में छोड़ाऊंगी पकड़ के। इसके लिए बोल रही थी चीता था, तुमने बोला चीता और क्या, मैंने कहा हमारा चीता आयो ऐसे ना बोलो, कह रही है चीते ही थे, ऐसे मैं जंगल में छोड़ाती हूँ पकड़ के। इसने बता दोबारा बता, पैर पे इसको क्या हुआ, क्या था पूरा सीन क्रिएट करना, तब तो पता लगेगा लोगों को। अनिकेत को लगी ठोकर, इसने बोला थूक दे, उसने इसके पैर पे ही थूक दिया है। देखिए मौसम भाई, मौसम तो एक नंबर हो रहा, क्यों देखो काले काले बादल, तेरे को जहाँ रोड पे कुछ ठेले लगे दिख जाए वहीं खड़ी हो जाए भाई, खिलाओ है मिले तेरे को आज। चलो, चलो घर चलते, लेट हो रहे हैं, टाइम बहुत हो गया। क्या करवा दूं, पेप्सी यो, पेप्सी दिलवा दूं यो, पड़ाके खिलवा दूं भाई, 500 रुपए मिले हैं मेरे को एक्स्ट्रा, दिहाड़ी मिली है गाइस आज मुझे दिहाड़ी। पी ले भाई, दिक्कत क्या है, नारियल पानी है। मैं नहीं पीऊंगा। पर क्यों, कोई एक रीजन तो होगा। क्योंकि मेरे को ये मीठा लगता है, नारियल पानी है वो, पी लो। सारा पी लिया उसने, इसमें कुछ बचा है कि जबरदस्ती का नाम लगा रही, नाम लगाने के लिए कि नारियल पानी पिलाया तुम्हें मैंने। खुद खरीद सकता है, उसके लिए मैं कुछ नहीं। पहले पी के देखा इसमें है या नहीं है, सबको सबूत देखना, पाइप देखना इसका, पाइप में जा रहा है कि नहीं, कहाँ जा रहा है, खींच दिख रहा है यार, तेरी कसम देखा अभी भी पाइप में है, देख इतना कहाँ है, ये तो पहले का ही है भाई, तू पी तो ले, चल तू सामने पी दे, मेरे को दे दे वीडियो, मैं बना लेती हूँ, ले पी। ये फंसा रही है, ये मुझे फंसा रही है।
क्योंकि ये नारियल पानी लाई थी मेरे नाम से कि मैं तेरे लिए खरीद रही हूँ, और यहाँ मैं वॉशरूम में हाथ मुंह वगैरह धुलने गया ऑफिस के बाद चेंज करने, तब तक इसने पूरा नहीं पिया, तेरी कसम नहीं पिया पूरा, तो पी ले यार प्लीज। मेरा मेरे को पूरा चाहिए मेरा नया का नया। हाँ ठीक है, कल ला दूंगी मैं, ये अभी पहले इतना पी ले। सो गाइज, अगर आपकी बीवी भी आपसे गुस्सा है तो मैं आपको टेक्निक बताता हूँ। अगर आपकी बीवी आपसे गुस्सा है तो गुस्सा है तू मेरे से भाई? ये मतलब व्लॉगिंग का मेरे को एक फायदा तो हुआ है, कितनी भी गुस्से में हूँ मैं कैमरा खोल लूँ तो एकदम हंसने लगती है। ऐसा क्यों करती है तू मेरे साथ है? सो अगर आपकी बीवी गुस्सा है अगर आपसे, तो आप एक काम कर सकते हो मेरी तरह, पहले तो व्लॉगिंग स्टार्ट कर दो और उसके बाद उसके लिए कुछ अच्छा सा बना दो स्पेशल, तो उसको पसंद हो। तो मैंने इसको जो पसंद है वो बनाया, मैं दिखा रहा हूँ मैंने क्या बनाया इसके लिए। क्या बनाया मैंने, तेरे को आइडिया है कुछ? हैं, चल बुल्लू टेस्ट तो कर। और ये थोड़ा अंडे कम खाती तो इसको एक अंडा दे रहा हूँ मैं दो अंडे खा रहा हूँ। और बाकी जज मत करना भाई कोई प्लीज़, क्योंकि मैंने ग्रेवी वाली नहीं बनाई है, मैंने ऐसे बनाई है क्योंकि मैं थक गया था थोड़ा सा। तो अभी टेस्ट करके यही बताइए इसको कैसी लग रही है, टेस्ट कर फर्स्ट बाइट। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ना पक नहीं पाई सही से, आई थिंक सो। मन से तो बनाई थी पर टाइम ज़्यादा हो गया था ना, तो आज ऑफिस से भी लेट आए थे हम लोग। सो गाइस देखते हैं कैसा लगता है इसको। हाँ टेस्ट तो अच्छा है। किसका, मेरा या एक करी का? सो गाइस मैं भी टेस्ट करके देखता हूँ ये झूठ कह रही है या सच कह रही है, रुक जाओ देखता हूँ ठीक है। हाँ झूठ कह रही है, ये पकी भी नहीं है सही से और इसमें नमक भी ज्यादा लग रहा है मुझे, है ना। सो गाइस चलो अभी हम लोग डिनर एंजॉय करते हैं, और एंजॉय क्या करना है अब तो, ये ज़बरदस्ती खानी पड़ेगी, अच्छी बनी नहीं है। सो उसके बाद मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, नेक्स्ट व्लॉग में अगले दिन बाय बोल दे तेज, बाय बाय। सो गाइस बाय बाय गाइस।